हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं कि कैसे आपने लेग की जो स्ट्रेचिंग है वो कैसे खोल सकते हैं और साथ ही साथ आपने कैसे गेम को और अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी वेस्ट टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो। तो हे गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी एज जो है 18 साल से ऊपर की है तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारे जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन प्लेयर हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से ज़रूर अपने आसपास के ब्लड बैंक्स, कैंप और हॉस्पिटल्स में जाकर आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि इससे किसी की एक लाइफ जो है बच सकती है। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपकी लेग है, लेग अपने जो वेस्ट के हिसाब से आपको एक हाइट जो है वो देख लेनी है। तो मेरे पास अभी क्या है, मैं अभी एक पेड़ के पास अपने पैर को स्ट्रेच करूंगा। रखने के बाद आपको क्या करना है, उसको होल्ड करना प्रॉपर तरीके से, जैसे कि आपको जो पैर है वो स्लिपरी ना रहे, आपको अच्छे से होल्ड कर लेना है। होल्ड करने के बाद जो आपका सेकेंड लेग है जो जमीन पर टच कर रहा है वो उसको अच्छे से ग्राउंड पर होल्ड कर लेना है। देन आपको आपकी अपर बॉडी जो है देखिए फ्री है। अब आपको क्या करना है, आप अपने हैंड को वन बाय वन जो है वो टच कराना है अपने टो पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए वन ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप किसी भी तरह की स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं तो अपनी बॉडी पे जर्क नहीं देना है। जर्क देने से क्या होगा, जैसे जर्क का मतलब ये है जैसे अचानक से झटके देते हैं, या फिर आपका जो पार्टनर होता है वो कहते हैं उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करे, वो आपको पुश करता है, तो इससे आपके मसल्स जो है इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और साथ ही साथ हो सकता है कि आपकी किसी तरह की कोई मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइस, आपको क्या करना है कि आपको अपने जो टो है आपको एक हैंड से टच करना है और आपका जो सेकेंड हैंड जो है वो फ्री रहेगा, जस्ट उसके अपोजिट साइड में जाएगा। ठीक है, तो आप स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। ये है हमारी पहली एक्सरसाइज। इसमें हमें जो दूसरी एक्सरसाइज करनी है, क्या करना है, आपको अपना हैंड जो है, ठीक है, अगर आप लेफ्ट साइड से ओपन खड़े हुए हैं तो आप लेफ्ट साइड से करिएगा। तो आप इसमें क्या करना है, आपका जो लेफ्ट हैंड है आपको हेड पे रखना है, देन आपको अपनी थाई पर इसको टच कराना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो स्टूडेंट्स क्या करना है, इसमें आपका जो एल्बो है, ठीक है, वो आपको थाइस पर टच हो जाए या फिर नहीं हो रहा है डजंट मैटर, ध्यान रखिएगा आपको इसके नियरेस्ट लाना है आपको। अगर टच हो रहा है बहुत अच्छी बात है, इसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है काफ़ी अच्छी है। अगर नहीं टच हो पा रहा है तो यही एक्सरसाइज आप डेली कंटिन्यू करिए, तो जिससे आपकी जो एल्बो है वो आपकी थाई पर टच होने लगेगी। आप ये एक्सरसाइज दोनों ही लेग पे इक्वल कीजिएगा, नहीं अदरवाइज क्या हो सकता है कि आपके एक साइड में तो प्रेशर हो रहा है बट अदर लेग पे जो प्रेस नहीं हो रहा है, तो मे बी है कि आपको ये अंगे इंजरी प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो सकती है। तो इसमें जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उससे मैं आपको करना क्या है, आपको अपनी जो नी है उसको पकड़नी है और आपको ये चेस्ट के पास लेके आनी है। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी अभी इस तरह की स्ट्रेचिंग करते हैं तो आपके पैरों में बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी जो कपड़े होते हैं, स्ट्रेचिंग कपड़े जो होते हैं वो आपको यूज़ करना है। आप पैंट पहन के इसका यूज़ मत करिएगा, अगर हो सके तो आप हाफ लोवर जो है वो यूज़ करिए, या फिर जो स्किनी लोवर होते हैं, जो बिल्कुल स्ट्रेचल कपड़े होते हैं, आप वो पहन के यूज़ कर सकते हैं। तो करना क्या है आपको, आपको लेग को स्ट्रेच करना है, देन आपको चेस्ट पे करना है वन बाय वन। ठीक है स्टूडेंट, कुछ आपको जो एक्टिविटीज जो है इस तरह करनी है, ठीक है, कंटिन्यू, जिससे आपकी जो लेग की स्ट्रेंथ है वो अच्छे से खुल सकती है, स्ट्रेचिंग जो है आसानी से हो सकती है। देन इसके बाद हमारी जो आती है एक्सरसाइज, इसके बाद आपको जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उस पर क्या करना है, आपको आपको अपने जो लेग है, जैसे अभी स्क्वाट की पोजीशन बनाते हैं, आपको उसी से थोड़ा सा वाइल्ड बनाना है। इसमें आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आपकी स्ट्रेंथ अपनी लेग की खोल लेनी है। खोलने के बाद आपको करना क्या है, आपको अपने टोज पर भी हैंड रखने हैं, हैंड रखने के बाद उसको बैठ जाना है और उसको हल्का सा स्ट्रेच प्रेस करना है। ओके, और हल्का सा आपको इसमें प्रेस करना है। आफ्टर दैट क्या करना है आपको, आपके जो अपनी नी है, नी को हल्का सा प्रेस करना है और हल्का सा वाइडली इसको ओपन करना है।
ओके अब इसे हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसी भी इसी पोजीशन में सेम रहना है। सेम रहने के बाद हल्का सा पैर को और ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके दोनों हैंड जो फ्री रहेंगे, फ्री हैंड होने के बाद आपको क्या करना है, राइट हैंड आपको लेफ्ट लेग की तरफ जाएगा और आपका जो हैंड फ्री है वो आपका स्काई की तरफ जाएगा, ठीक है। और उसको आपको देखना है कैसे, देखिए ये एक्सरसाइज आपको कंटिन्यू करनी है, जिससे कि क्या होगा कि आपकी जो लेग की स्ट्रेच खुलेगी, साथ ही साथ आपके हैंड की जो एक्सरसाइज है वो भी अच्छे से होगी इसमें।